बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं उज़ैर अहमद न्यू आइडियल अकेडमी से आपसे मुखातिब हूँ। आज का लेक्चर 6 क्लास का है, एक्सरसाइज है 4.5। इसमें कुल 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व, हल कीजिए, तकसीम का सवाल है। तो इसमें पहले एक उसूल समझ लें कि जब दोनों रकमें प्लस की हों और उनको डिवाइड कर रहे हों, आंसर प्लस में आएगा। दोनों माइनस की हों, उनको डिवाइड कर रहे हो, आंसर प्लस में आएगा। और जब एक रकम प्लस की हो, एक माइनस की हो, उनको डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर माइनस में आएगा। ये प्लस माइनस का ख्याल करना है। -42 डिवाइड -7 इसको काटना है आपने। 7 1 7 6 दोनों माइनस की है तो आंसर प्लस में आ जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन है +36 डिवाइड +9, ये उसको हमने लिखा है डिवाइड की सूरत में। 9 1 9 9 4 36, दोनों प्लस की हैं प्लस में। यहाँ एक रकम प्लस है, एक माइनस है, तो आंसर आएगा माइनस में। ये हमने इसको काट दिया। दूसरा क्वेश्चन है खाली जगह को पूर करना है, फिल इन दी बॉक्सेस। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सवाल की तरह लिखा हुआ है। 12/3 = ये है आपका खाली जगह, 3 1 3 3 4 12। दूसरा क्वेश्चन है इसका -16/ ये है खाली जगह -2। अब ये है दो तरीके, इन दो को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आना चाहिए, या 16 और 2 को डिवाइड कर दें ये आंसर आना चाहिए। ये है 16, ये है 2, -16 डिवाइड -2, दोनों माइनस की है, आंसर आएगा प्लस में। 2 1 2 2 8। इसी तरह है तीसरा खाली जगह, ये है खाली जगह, डिवाइड करना है 8 पे, आंसर 9 आना चाहिए। तो इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा था 9 8 72, एक प्लस एक माइनस माइनस में आ जाएगा। ये है खाली जगह -27 -3 = 3 + 3, ये है आपका लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, इसका आंसर सेम आना चाहिए। 3 1 3 3 9 7, इस हिस्से का आंसर आ गया 9। अब यहाँ के बस ये है 3 मल्टीप्लाई, ये है खाली जगह, ये आंसर 9 है, तो यहाँ भी हमने 9 लाना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 9 आ जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है, डिवाइड का सवाल है, ये भी उसूल जो है फॉलो करने हैं। दोनों रकमें माइनस की हों, आंसर प्लस में आएगा। दोनों रकमें प्लस की हों, आंसर प्लस में होगा। एक प्लस एक माइनस, साइन जो है माइनस में आएगा। ये था आपका आज का लेक्चर, मसला वगैरह वो बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम।